दोस्तों, खाना काबा को अल्लाह का घर यानी बैतुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है और ये जगह इंसान के लिए इंतहाई ताजीम और तकरीम का हामिल है। और काबा शरीफ एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइंस का कोई भी जहाज आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको कोई या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाहो बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ में क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है क्योंकि ये वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाहो बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबे के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं, तो इससे कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं। मगर हम आपको बता देते हैं कि ये पोस्ट झूठ और गलत नहीं है, बल्कि ये पोस्ट बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। इसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहे हैं, उसने बताया है कि मैं पिछले 25 सालों से खाना काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा है और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा है। अब्दुल रशीद आगे कहता है, एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे ही वो जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है? अल्लाह ने काबा शरीफ में अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है? अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है कि जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद दो है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको तीन ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता है, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदा या जहाज के ना गुजर पाने की तीन असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को कबूल किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है, जिसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से वो परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वो परिंदा हो, हवाई जहाज हो या फिर कोई और चीज हो,
अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा शरीफ के ऊपर से हट जाती है और उस चीज को कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता है। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में चुंबक है, उस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर जाते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही इस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और वो उससे चिपक जाता है। उसी तरह से अगर कोई भी चीज काबा के ऊपर आती है तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से कुदरती तौर पर ही हट जाती है। दोस्तों, यही वजह की सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर सख्ती से पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना माना है, यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसीलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने या उमरा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहां सबसे पहले रियाद शहर में उतारा जाता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है, फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सर जमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद है जो ये साबित करती हैं कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सर जमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। इसके अलावा इसकी एक वजह यह भी है कि जिन इलाकों में ऑयल या रिफाइनरीज मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जान और माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ तो दुनिया की सबसे अहम तारीन जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई भी मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हाईजैक करके मस्जिद अल हराम के पास ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन ही तबाहो बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजारने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है और यहां पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लग जाए तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा होने लग जाएगा। इस वजह से भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं दी गई। याद रखें, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और इंशा अल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार अपने घर का काबा शरीफ की जियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीदें करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे पर भी जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।